सब ठीक है? आपके क्या है, कैसे चल रहा है? बहुत क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोती हुई अच्छा। जनता को जगाने में जो है लगा हुआ हूँ, और जनता है कि वो भांग पी के पड़ी हुई है। सही बात है। उसे ना अपनी चिंता है, ना अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है। उसने अपनी जिंदगी एक कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। सही बात है। मतलब उसे सही बात है। उसे जो है लज्जा नहीं आती है। हाँ, जैसे चाहे वो यूज कर रहे हैं। वही बात है। तो ये बहुत गलत बात है। अवेकनिंग तो जरूरी है, मस्ट है। देखिए, 75 सालों से आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं, 75 सालों से आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं, और कोई बदलाव नहीं है। है कोई बदलाव? और साइकोलॉजी सेम है। साइकोलॉजिकल केवल सेम ही नहीं है, बल्कि आप अंग्रेजों के समय से बड़े गुलाम बन गए हैं। ये बात आपको अच्छे ढंग से समझना पड़ेगी कि पहले जो है हमारा अदना सा फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों के ऐसे साम्राज्य को, जिसके फैलाव के कारण उसके साम्राज्य में कभी सूर नहीं डूबता था, उसके हम दांत खट्टे कर दिए थे। आज हमारा बड़ा से बड़ा व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ और सताया हुआ है। उसका जो है मुंह खोलने की औकात नहीं है। सही बात है। है क्या उसकी मुंह खोलने की औकात? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही बात है। अब इसमें ये चीज समझना पड़ेगी कि हम कैसे जो है वो महाबदलाव लाएं। ये एक बड़ा प्रश्न बन रहा है। राइट राइट राइट। तो साइकोलॉजी, हाँ सब ये है। मुझे तो, मेरा तो निष्कर्ष है, शरद पवार ने जादू टोना करके एवरीवेयर ह्यूमन हायरार्की क्रिएट की है। यदि आप ये बातें कहेंगे तो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कहेगा। तो हमारी भाषा वो होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए और जो लोग बात ग्राह्य कर सके। नहीं, सबको बताना ही नहीं है, डायरेक्ट एक्शन लेना है, सब्जेक्ट ड्रॉप करना है, और क्या करना है। और फिर बाद में देख लीजिए कैसा परिवर्तन आता है। आज मैं हमीरपुर में हूँ, कानपुर के नजदीक। वहाँ सुबह ऐसा ही हो गया। अपने हर जगह वो कोशिश करता है टांग अड़ाने की। सब जगह पकड़ा है मैंने इसको, बहुत सारी जगह। चलिए, वो सब चीजें तो ठीक है। हाँ, अभी तो मैं वो प्रेसिडेंट को मेल डालूंगा, उसका पद्म विभूषण। कुछ नहीं होने वाला। पद्म विभूषण वापिस ले ले और कमिटी का इम्प्लीमेंटेशन कर ले, नहीं तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएंगे तो तुम्हारा लादेन का जैसा हाल करेंगे, वहां से मिसाइल गिरना शुरू हो जाएगा इंडिया पर। ये खैर किसी की औकात नहीं होगी कि भारत। और क्या, इस मुंबई में उसका जहाँ भी उसका, यहाँ पर जहाँ पर भी उसका लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा, वही मिसाइल गिराना शुरू कर देगा अमेरिका, यूके। खैर, अमेरिका और यूके की औकात नहीं है कि भारत के साथ ऐसा कर ले वो। लाभ क्या है? आप खुद पाकिस्तान के नाम पे चिल्ला रहे हो, या स्टेट स्पॉन्सर उसको पद्म विभूषण दे रहे हो, न जाने क्या क्या कर रहे हो, स्टेज शेयर कर रहे हो, है? इन बातों में बात करने से कोई फायदा नहीं है। यदि आप डायरेक्ट एक्शन लेने की जरूरी है। नहीं, वो एक्शन आप तब ले पाएंगे जब क्राइम फ्री भारत के लक्ष्यों के साथ आप लोगों को, सभी राजनेताओं को पराजित करके क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों को जब आप पहुँचाएंगे, तब ये परिवर्तन संभव होगा। वो तो दोनों फ्रंट पर काम करना पड़ेगा। एक